हाथों का है, क्या कहें। देखिए हमारे साथ भगीरथ मुंडा जी हैं, हम दमयंती मुंडा हैं, हमारे साथ पुराण भाई हैं, अजय स्वासी जी आए हैं, बहुत सारे हैं जो अलग अलग समुदाय के हैं, लोहरा लोग हैं। 1932 फतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति लागू होती है तो क्या महतो को ही नौकरी मिलेगी? ऐसा तो नहीं है कि 1932 महतो का पहचान, ऐसा तो नहीं है 1932 महतो का पहचान इस तरह का तो नहीं है 1932 झारखंडियों का पहचान, भाषाओं का, उन संस्कृतियों का अगर झारखंड में अगर मिलेगा तब हम लोग विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि झारखंड भी जब बना है तो उसके में तमाम समाज के लोग जुड़े हुए, उसके बावजूद भी जो है जयराम महतो के ऊपर आरोप लगता है कि कुड़बी का ही नेता है, क्या कहेंगे आप? आप एक आदिवासी चेहरा हैं। देखिए सर, आरोप लगाना, पहले जैसे आंदोलन हो रहा था उस समय कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, जब पार्टी बना तब ये आरोप जो है कि लगना शुरू हुआ है। जब आंदोलन चल रहा था तो हर समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे थे और अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन ये आरोप नहीं लगते थे कि ये महतो का जो है कि पार्टी है। लेकिन जब पार्टी बन गया और देख रहे हैं कि इनके साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ाव है, तो वही नेता लोगों का ही बोला हुआ है, किसी किसी को बोल रहे हैं और वही लोग बोलते हैं जो नेता किस्म के लोग हैं, यही लोग बोलते हैं कि महतो का है, क्या कहें। देखिए हमारे साथ भगीरथ मुंडा जी हैं, हम दमयंती मुंडा हैं, हमारे साथ पुराण भाई हैं, क्या बोलते हैं, अजय स्वासी जी आए हैं, बहुत सारे हैं जो अलग अलग समुदाय के हैं, लोहरा लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक समुदाय के हैं। और जब कोई भी आंदोलन का शुरुआत ना किसी का परिवार चाहे किसी का घर से शुरुआत होता है, अब उनका विचारधारा को जैसे लोगों को अच्छा लगने लगता है, विचारधारा के साथ लोग तमाम लोग जुड़ने लगते हैं, तो जिस प्रकार से सब कोई जुड़ते जाते हैं, उसके बाद जब सरकार नहीं मानती है, जिस प्रकार के यहाँ आंदोलन किया गया नहीं माने, उसके बाद ना हम लोग का पार्टी का निर्माण किया गया और हम लोग सब कोई को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे समाज के लोग आए हुए थे, और अगर खतियान के आधार पर 1932 खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति लागू होती है तो क्या महतो को ही नौकरी मिलेगी? ऐसा तो नहीं है कि 1932 महतो का पहचान, ऐसा तो नहीं है 1932 महतो का पहचान इस तरह का तो नहीं है 1932 झारखंडियों का पहचान, तो वही कह सकते हैं पॉलिटिकल लोग जो है, हाँ पॉलिटिकल लोगों का डरा हुआ है, इसी के लिए उन लोगों ने इस तरह से, जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रहा है इसलिए उन लोगों का कहना है। और जानते हैं कि जब यहाँ के हर समुदाय के लोग मुंडा मानकी महतो उरांव चाहे तो कोयरी जितने भी समुदाय के लोग हैं जब एकजुट हो जाएंगे तो उन नेताओं का जो है कि चालबाज कुछ चलने वाला नहीं है, तो डर से लोगों को इस तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है, और नहीं होने से तो आपको उदाहरण के रूप में हम नहीं दिखते आज। छठ और 32 लागू नहीं हो सकता है, इस पर क्या? देखिए 32 को समझना इतना छोटा काम नहीं है, और 32 के बारे में अगर हम बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो इतना शॉर्ट फॉर्म में कोई समझ नहीं पाएगा, वो तो छोटा चीज़ है नहीं। अगर इतना छोटा चीज़ रहता तो सभी लोगों को समझ में आ जाती, लेकिन इसको 32 लागू होगा एकदम 32। अच्छा एक बात बताइए, दो चीज़ें होता है, एक होता है खतियान और दूसरा है पट्टा, ठीक है। खतियान वो होता है जिसके बाप दादाओं ने कोड़कर भुईहरी मुंडारी खुटकटी ये सारे ज़मीनें बनाए, उसके हाथों में खतियान है, और पट्टा उनके हाथों में जो कल परसों आए यहाँ ज़मीन खरीदे और घर बना लिए, वो भी कहते हैं कि हम यहाँ का झारखंडी थे। ऐसे नहीं ना होगा, तो कौन होगा जिनके हाथों में खतियान है? और यहाँ पर 1932 के खतियान के अलावा उसके साथ साथ में उसके सर्वे सेटलमेंट के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, कोई और कागज़ है ही नहीं जिसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया। किसके आधार पर परिभाषित कीजिएगा? आधार कार्ड के आधार पर, वोटर कार्ड के आधार पर, राशन कार्ड के आधार पर? नहीं, अगर आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड के आधार पर अगर परिभाषित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड जो यूपी से आए हैं उसके पास भी है, जो बिहार से आए हैं उसके पास भी है, जो उड़ीसा से आए हैं उसके पास भी है, जो बंगाल से आए हैं उसके पास भी है, और जो बांग्लादेश से भी आए हैं उसके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड है, तो क्या झारखंडी होंगे? नहीं होंगे, झारखंडी वो नहीं होंगे। तो किसके आधार पर होंगे? तो खतियान के आधार पर होंगे, तो परिभाषित तो उसी के आधार पर करना पड़ेगा, चाहे आज कीजिए चाहे कल कीजिए चाहे 100 साल बाद कीजिएगा, विकल्प वही है। धन्यवाद, जोहार। और एक सवाल लेंगे, जयराम महतो के ऊपर आरोप लगता है कि 32 का पहले बात करते थे, आप बात नहीं कर रहे, इस पर क्या कहेंगे? हमने तो कभी नहीं सुना कि वो 32 पे बात नहीं कर रहे, हमने तो हर आप जितना भी स्पीच है सब में खोल के देख लीजिए। अब वो उसका अगर 100 वीडियो देखे होंगे तो 90 वीडियो में वो 32 का, कभी कभी होता है कि बात करते करते आदमी के माइंड से उठ जाता है, लेकिन 32 90 वीडियो में आपको मिलेगा, 90 वीडियो में नहीं मिलेगा तो 10 वीडियो में हमारा मिलेगा, वो ये चीज़ कह दिए होंगे कि 32 के बारे में मोतीदा बोल दिए हैं इसलिए हम नहीं बोलेंगे। तो एक ही टॉपिक को बार बार बोलना भी उचित नहीं होता, 32 कहाँ नहीं है, आपको एक वीडियो हमको खोल के दिखा दीजिए जिनमें जितने भी मंच सजा है उन मंच में, और 10 में नहीं है, 10 में हम बोले होंगे इसलिए वो नहीं बोले होंगे। बाकी 32 पूजा का उत्सव चल रहा है, क्या झारखंडियों को संदेश देंगे? देखिए त्यौहार किसी भी भाषा किसी भी संस्कृति से हमें दुश्मनी नहीं है, या किसी से परहेज नहीं है, या किसी से हमें विवाद नहीं है, या किसी से हमें घृणा नहीं है। हम लोग का एक मांग ये है कि जिसकी जो भाषा है जिसकी जो संस्कृति है वहाँ सुरक्षित होनी चाहिए,
जैसे कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, हम लोग कर्नाटक गए थे तो वहाँ कन्नड़ को उन लोगों ने सुरक्षित किया है। कन्नड़ को अब झारखंड में मान्यता दिया जाए तो तब विरोध होगा। अब वहाँ उसको मान्यता देगा तो हम क्यों विरोध करने जाएंगे? अगर महाराष्ट्र का मराठी है तो वहाँ उसको तवज्जो मिले, वहाँ उसको अधिकार मिले, कौन विरोध करने जाएगा? और उसको वहाँ मिल रहा है। तो जिसकी जहाँ भाषा है, जिसकी जहाँ संस्कृति है, गुजरात की भाषा गुजराती है, उसको वहाँ मान्यता मिले, अब उसको झारखंड में मिलेगा तो विरोध तो करेंगे। तो हमको किसी से परहेज नहीं है, किसी से घृणा नहीं है। और हम गुजरात जाएंगे, हम महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र में आज हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से रह रहे हैं, लेकिन कभी वहाँ दावा नहीं किए कि हम मराठी हैं। मराठी मराठियों से भी बेहतर बोलते हैं, कि मराठी भी शर्मा जाए कि इतना बेहतर मराठी बोलते हैं, लेकिन कभी वहाँ के मराठी नहीं हो सकते, ये चीज़ को जानिए। तो जो जिसकी जहाँ भाषा है, जिसकी जहाँ संस्कृति है, अब वहाँ की भाषा, वहाँ की मान लीजिए वहाँ का त्यौहार, मान लीजिए केरल का त्यौहार ओणम है, तो ओणम की मान्यता केरल में मिलना चाहिए। पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु के, तमिलनाडु मान्यता मिलना चाहिए। बैसाखी की मान्यता पंजाब में, पंजाब में मिले। अब बिहू का मान्यता असम में, तो असम में मिलना चाहिए। जिसकी जहाँ भाषा, जिसकी जहाँ संस्कृति, जिसका जहाँ पर्व है, वो तो होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए। जहाँ जिसका पहनावा, जहाँ जिसका खान सा, हम कभी नहीं विरोध करें, लेकिन उन भाषाओं का, उन संस्कृतियों का अगर झारखंड में अगर मिलेगा तब हम लोग विरोध जरूर करेंगे। क्योंकि झारखंड भी जब बना है तो उसके तीन कारण थे, एक कारण था प्रशासनिक, दूसरा कारण था भौगोलिक और तीसरा कारण था सांस्कृतिक। अगर सांस्कृतिक हमारी पहचान ही मिट जाएगी तो फिर झारखंड का पहचान कहाँ से रहेगा, झारखंडियों का पहचान कहाँ से रहेगा? तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जिसकी जहाँ, जिस भाषा की जहाँ पहचान है, जिस भाषा की जहाँ जहाँ की संस्कृति, वहाँ मिलना चाहिए उसका। हर झारखंडी को आगे आना होगा और जब तक आगे नहीं आएगा यही वाला मिलेगा। और जिस दिन आ गए कण कण और हर कण कण माटी सोना चांदी कोयला हीरा मोती सब मिलेगा, सब झारखंडिया का होगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। अमर रहे चांद भैरव, अमर रहे टाइगर जय राम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय झारखंड। अब अभय भाई से गुजारिश करेंगे, कहीं उनका बोल रहे थे कि लगना चाहिए और एकाध कोई शांत भी थे, लेकिन एक बात है, आपका गांव में अगर किसी घर में आग लगे रहता है तो आग को बुझाने के लिए पूरा घर का आदमी को एकजुट होकर के उसमें पानी डालना होगा कि उसका घर में आग लगा है, हम लोग उधर से बन के देखेंगे।